हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर। ये है अन अकेडमी का अन अकेडमी यूपीएससी, और अन अकेडमी यूपीएससी पर आप देख रहे हैं मुझे यानी दुर्गेश नंदन को। अन अकेडमी यूपीएससी पर आज दोपहर के 11 बज चुके हैं, दोपहर के 1 बज चुके हैं, और दोपहर के 1 बजे हम कर रहे हैं यूपीएससी इन डेप्थ। जी हाँ, वैसे हमारा टाइम मॉर्निंग है, बट आज हम कर रहे हैं इस टाइम पे यूपीएससी इन डेप्थ। आइए फटाफट से शुरू करते हैं आज का यूपीएससी इन डेप्थ, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम, है ना, क्योंकि इंडिया में सिचुएशन कैसी चल रही है आप लोगों को पता है। तो ऑल्दो वी डू नॉट नो कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, ये सब तो हमें पता नहीं होता, बट स्टिल दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू नो अबाउट द मिसाइल प्रोग्राम इन इंडिया। इंडिया में जो मिसाइल प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में जानने के लिए बढ़िया मौका है। तो आइए देखते हैं, शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, कहाँ से कब क्या शुरुआत हो, मिसाइल के टाइप्स क्या होते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको, मिसाइल क्या होता है वो भी बताऊंगा, मिसाइल का देसी वर्जन भी दिखाऊंगा। वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू मिसाइल्स, डू नॉट वरी। अगर मिसाइल के बारे में आपको एबीसीडी नहीं पता, तो आज आपको एबीसीडी से लेके एक्स वाई जेड तक पता चलने वाला है। तो आइए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। सभी लोग आ चुके हैं, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी लोग, सो देट बाकी लोग भी आ पाएंगे, है ना। पूजा ठाकुर है, लोकेंद्र है, चंदन यादव है, नीलाक्षी लोग कृणाल और पूजा चौधरी, कोमल यादव, आशु हुडा, अवश्यकता निराला। चलिए फटाफट से एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए सभी लोग। आदित्य सिंह, चलिए तो ये है मेरे बारे में कुछ डिटेल्स, और आप सभी लोग जान ही चुके हैं। मैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर भी अवेलेबल हूँ, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन या अनअकैडमी का प्लस आप जिसे कहते हैं, है ना, वहां पर भी अवेलेबल हूँ मैं, तो आप लोग वहां पे भी मेरे साथ आ सकते हैं, ठीक है। तो लाइव और इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं, क्विजेस और टेस्ट सीरीज बिल्कुल वहां पर होता है। तो जबरदस्त प्रकार का एक सिस्टम, टेक्नोलॉजी और टीचिंग का एक जबरदस्त आप कह सकते हैं संगम है अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन मॉडल, है ना। डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं वहां पे हर थर्ड क्लास के बाद, जो फोर्थ क्लास होती है दैट इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको जो रेफरल कोड यूज करना है वो है डी एन लाइव, बिकॉज डी एन लाइव ही आपकी मदद कर पाएगा, क्योंकि आपको कंप्लीट जो गाइडेंस, कंप्लीट जो सपोर्ट चाहिए वो आपको डीएन लाइव से मिलेगा, है ना। द कंप्लीट सपोर्ट दैट यू नीड यू विल गेट इट फ्रॉम डीएन लाइव, ठीक है। सो दैट आपको सारी चीजें समझ में आती रहें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपके स्टडी प्लान, आपके वीकली टारगेट सब कुछ यहाँ पर कवर हो रहे होंगे, ठीक है। तो आपको ये डीएन लाइव कोड यूज कर लेना है, आंसर राइटिंग वगैरह सारी चीजों में आपको यहाँ पर मेरी हेल्प मिल जाएगी। तो जो भी डाउट हो आप फटाफट से फोन मिला लो, व्हाट्सएप कर लो इस नंबर पे 9999052322 पर, ठीक है। व्हाटएवर डाउट्स यू हैव प्रिपरेशन रिलेटेड टू यू कैन क्लियर इट ऑन दिस नंबर, है ना। वन ईयर सब्सक्रिप्शन जो है वो 39,006 ईयर का है, 39,600 का, टू ईयर सब्सक्रिप्शन 57,600 का है, डन। चलिए तो आइए टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं, बात करते हैं किसके बारे में, इंडियन मिसाइल प्रोग्राम के बारे में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज तो, है ना, मजा आएगा हम सभी को। तो शिवांगी आ चुके हैं, विकास आ चुके हैं, योगिता, विनोद कुमार तांती, चलिए विकास रावत, चलिए तो मजा आने वाला है। तो फटाफट से एक बार शेयर कर देना वीडियो को, है ना, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए, ठीक है। ऑल पेन मेडिकेशन इज विद द हेड रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, ऑल राइट गाइस, चलिए तो फटाफट से शेयर कर दीजिए और शुरू करते हैं हम लोग इंडियन मिसाइल प्रोग्राम। तो देखो भैया, मिसाइल क्या होता है सबसे पहले तो ये जानते हैं, व्हाट इज मिसाइल। तो मिसाइल जो वर्ड है ना वो लैटिन वर्ड मित्री से आया है, लैटिन वर्ड मित्री से आया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू सेंड। अब कोई भी चीज जो आप फेंक के भेजते हैं ना वो मिसाइल है। तो ये आपकी मम्मी आप पर जो बेलन फेंकती है ना वो भी एक प्रकार का मिसाइल है। आप गुलेल से आम के पेड़ पे जो पत्थर फेंकते हैं ना वो भी एक मिसाइल है, है ना। तो आप गली में जब आप अपने दोस्तों को बचपन में मारने के लिए जो बलून फेंकते थे होली के टाइम पे, वो भी एक प्रकार का मिसाइल है। एनीथिंग जो भी आप भेज रहे हैं वो मिसाइल है। बट अब आप लोग भी कम समझदार थोड़ी है, मम्मी ने बेलन उठाया कि आज तो बस कृणाल की क्लास लगेगी, मम्मी ने उठाया और यूं फेंका आपकी तरफ, मिसाइल आपकी तरफ आ रहा था और आप हट गए, बस इतना सा करना था आपको, आप जैसे ही हटे मिसाइल मिस कर गया। अब आप बोलोगे यार मम्मी अब आप क्या करोगे, मिसाइल तो मिस हो गया। तो अगर मम्मी
ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले कि जो बेलन है वो आपको फॉलो करने लगे, आप इधर झुके तो बेलन भी आपकी तरफ आने लगे, है ना, आप नीचे हो रहे हैं, आप ऊपर हो रहे हैं, आप साइड आ रहे हैं, बेलन भी आपकी तरफ आने लगे, क्या मजा आ जाएगा भाई साहब, है ना, मजा नहीं आ जाएगा बिल्कुल। आप बोलोगे यार मम्मी क्या एडवांस टेक्नोलॉजी निकाली आपने, मैं जिधर जा रहा हूँ बेलन भी उधर जा रहा है, जिक 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 जिक। तो अगर बेलन भी ऐसे जाने लगे तो आप बोलोगे बेलन जो है वो गाइडेड मोशन कर रहा है। बेलन कैसा मोशन कर रहा है? गाइडेड मोशन कर रहा है। तो आज का जो मिसाइल है वो कैसा मोशन करता है? गाइडेड मोशन करता है, है ना। तो मिसाइल के क्या टाइप्स होते हैं अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। मिसाइल के दो टाइप्स होते हैं बॉस, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल, एक होता है क्रूज मिसाइल, ठीक है। तो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल को समझते हैं, है ना। बैलिस्टिक मिसाइल, बेलन खतरनाक मिसाइल है। अरे बेलन तो खतरनाक मिसाइल है ही, अभी तो मैंने चप्पल की बात ही नहीं की, ठीक है। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है समझते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना वो एक ट्रैजेक्टरी फॉलो करता है, मतलब आपने बचपन में आप करते ना यूं जोर लगा के पत्थर फेंकते थे कि किसका दूर जाएगा, ठीक है। तो वो जो था ना, या आप गुलेल से ऐसे निशाना लगाते हैं पत्थर फेंकते हैं, तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो एक बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी फॉलो करता है। बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या है? बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी का मतलब ये है कि आप लॉन्च करोगे, ठीक है, आप कुछ प्रपल्शन दोगे, कुछ इनिशियल फोर्स दोगे, बट फोर्स जो है वो इनिशियल है ना, सिर्फ एक इनिशियल फोर्स है। पूरे फ्लाइट में, मतलब यहां से बेलन उड़ के यहां तक जा रहा है, तो पूरे फ्लाइट में उसके साथ बेलन के साथ कोई फोर्स अटैच है क्या? कि जब तक वो मूव कर रहा है कोई फोर्स अटैच है? फोर्स कितना था जो मम्मी ने फोर्स लगाया था स्टार्टिंग में फेंकने के लिए आपकी तरफ, है ना। तो कोई एक्टिव प्रपल्शन नहीं है, नो एक्टिव प्रपल्शन ड्यूरिंग द फ्लाइट, ठीक है, ठीक। दीज वेपन्स आर गाइडेड ओनली ड्यूरिंग द रिलेटिवली ब्रीफ पीरियड ऑफ फ्लाइट। मम्मी ने कहां से कहां ग्लाइड किया था? ऐसे पकड़ा था और ऐसे करके फेंका था, आपने बॉल यूं पकड़ा था यूं फेंका था, तो इनिशियली आपने उसको गाइड किया कि ऐसे डायरेक्शन में जाना है तुम्हें, ठीक है, या आप ऐसे करते तो वो स्ट्रेट जा रहा होता, है ना। तो इनिशियली आपने गाइड किया बस, और इनिशियल गाइडेंस के बाद जो है वो किस चीज के अकॉर्डिंग चल रहा है, वो चल रहा है, देखो पहले इनिशियल वेलोसिटी आपने दिया, फिर ग्रेविटी का असर पड़ रहा है, इसीलिए आप देखोगे ऊपर की तरफ आपने भेजा था, ठीक है, बट धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आ रहा है, देखो ये बात दिख रहा है ना यहाँ, तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ये मूव हो रहा है, ठीक। इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं, कुछ और फोर्सेस भी हैं एटमॉस्फेयर में जो इसको इन्फ्लुएंस करेंगे, एयर का रेजिस्टेंस, है ना, एयर का रेजिस्टेंस भी तो होगा, और साथ ही साथ जो कोरियोलिस फोर्स लग रहा है वो भी लगेगा। कोरियोलिस फोर्स के कारण इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा, ऐसे जा रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यूं जा रहा है तो यूं हो जाएगा, राइट वर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर है तो यूं हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो भैया बड़ा ही मजेदार है मिसाइल की कहानी, मिसाइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, राइट, है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, बिल्कुल सही नीलाक्षी, एग्जैक्टली, है ना, बिल्कुल सही, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है बेसिकली। बैलिस्टिक मिसाइल का मोशन कैसा होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन, यूं फेंका, इनिशियल फोर्स दिया आपने, इनिशियल वेलोसिटी दी, और उसके बाद फिर वो ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है, तो पूरे फ्लाइट के दौरान कोई फोर्स नहीं है। बेलन इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, अनलेस एंड अंटिल आपकी मम्मी ने बेलन में कोई जबरदस्त वाली टेक्नोलॉजी नहीं लगाई कि डायरेक्ट जाके आपको हिट करने वाला है, है ना। चलो, तो इतनी बातें समझ में आ गई आपको, तो इतनी बातें समझ में आ गई तो कुछ और बातें समझो। शॉर्टर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं, दे स्टे विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, है ना। शॉर्ट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल जो होंगे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहते हैं, बट जो लॉन्गर रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होंगे, शब्द पर ध्यान देना, नाम क्या है ध्यान देना, बिल्कुल फोकस, कंप्लीट फोकस सर, इंटरकॉन्टिनेंटल, इंटर मतलब एक से ज्यादा, एक से दूसरे के बीच में, कौन सा कॉन्टिनेंटल मतलब जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुंच जाए, भाई साहब क्या मिसाइल होगी जबरदस्त वाली, एक कॉन्टिनेंट से निकली दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुंच गई, मतलब यहां बैठे बैठे आप कईयों के, समझ गया ना, आगे कुछ बोलने की जरूरत तो नहीं है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आर लॉन्च्ड ऑन अ सब ऑर्बिटल फ्लाइट ट्रैजेक्टरी एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर फ्लाइट आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो इंटरकॉन्टिनेंटल, अब ऑब्वियसली बात है ना भैया, दूर तक जाना है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन से आपको किसी चीज को बहुत दूर तक भेजना, तो आपको इनिशियल फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, इनिशियल फोर्स ज्यादा लगाया, और भैया कर्व्ड पाथ है, मतलब उसका एक लंबा पाथ जो होगा, उसका एक लॉन्गर पाथ जो होगा, वो कहां होगा? अर्थ के ऊपर होगा, है ना, अर्थ के एटमोस्फेयर के ऊपर होगा, ठीक है, आउटसाइड द एटमोस्फेयर, ठीक है, कंफर्टेबल, चलिए, आउट ऑफ द एटमोस्फेयर। इन मिसाइल्स के एग्जाम्पल
अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश, त्रिशूल, मैत्री, धनुष, तागरिका, K4, K5, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ दिस, है ना, सारे इसी के एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इनिशियल टेक्नोलॉजी तो वही थी ना भैया, गुलेल वाली। ये तो बाद में आया एक नया टेक्नोलॉजी जिसका नाम अभी आपको बताने वाला हूँ, क्रूज मिसाइल बोलते हैं उसको। वो ऐसे घूम के जाएगा, आप जहां ले जाओगे वहां जाएगा। क्रूज मिसाइल के बारे में बात करेंगे, बट बैलिस्टिक के एग्जांपल्स ध्यान रखने आपको, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, मैत्री, धनुष, सागरिका, K4, K5, सारे किसके एग्जांपल हैं? सारे एग्जांपल हैं। मेरे साथ एक बार रिपीट कर लेना, अभी याद हो जाना चाहिए, बाद के लिए कुछ नहीं रखना है। नो पेंडिंग थिंग, डू इट राइट नाउ, लाइक राइट टूडे, अभी के अभी करना है जो करना है, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना, ठीक है? तो अभी के अभी याद कर लो सारे नाम। आकाश है क्या? है आकाश, अग्नि, ए से दो, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, मैत्री, पृथ्वी के साथ मैत्री, धनुष और सागरिका, ठीक है, K4 और K5, बड़ा सिंपल सा है भैया। इतने नाम याद कर लिए, चुटकी में छुमंतर हो जाना भैया, कुछ नहीं है, है ना। चलो, तो अब बैलिस्टिक मिसाइल के टाइप्स देख लो जरा, है ना। तो बैलिस्टिक मिसाइल का जो क्लासिफिकेशन होता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रेंज, कितनी दूरी तक, कितनी उसकी मार्क क्षमता है, है ना, कितनी दूरी तक जाकर अटैक कर सकता है, उसके बेसिस पर बैलिस्टिक मिसाइल का क्लासिफिकेशन होता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल का जो पहला क्लासिफिकेशन है, इसमें हम बोलते हैं शॉर्ट रेंज, इसको बोलते हैं टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका रेंज कहां से कहां तक होता है, 300 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर, मतलब पड़ोसी के लिए काफी है, है ना, पड़ोसी के लिए काफी है। कौन से पड़ोसी के लिए, बात समझ गए हो? सारी बातें कहीं नहीं जाती, कुछ बातें समझने के लिए होती है, है ना, हर बातें जबां से नहीं कही जाती जनाब। तो आप लोग तो वैसे भी युवा हैं, मोहब्बत कर चुके हैं, तो आपको ये बात पता ही होगी, ठीक है। चलो आओ, तो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसको बोलते हैं थिएटर, ठीक है। थिएटर क्यों बोलते हैं? थिएटर सिनेमा दिखा देता है बिल्कुल, जिस पर पड़ा उसको ये बिल्कुल मूवी दिखा देता है, थिएटर बन जाता है वहां पे, ठीक है। तो 1000 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर तक इसकी दूरी है। इसकी दूरी कहां तक है? 1000 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर तक इसकी दूरी है। मतलब क्या? मतलब धमक जो हमारा ऊपर वाला पड़ोसी है उसके यहाँ दूर तक पहुंच सकती है इसके द्वारा, ठीक है। नाम किसी का नहीं लूंगा मैं, नाम किसी का नहीं लूंगा जी मैं, ना जी ना, हम तो भैया शांति प्रिय देश है, हम तो बुद्धा की कंट्री है, वी आर द लैंड ऑफ बुद्धा, वी लव पीस, है ना, एटलीस्ट हम बोलते तो यही है भैया। और हमारे ये स्टैंड मेंटेन भी, जब तक कोई ना ऐसे यूं आपको परेशान ना करे, कोई यूं उंगली ना करे, कोई पिंच ना करे, तब तक हम शांत बैठे रहते हैं। पर अगर तुमने भैया एक बार परेशान कर दिया, फिर सवाल ही नहीं कि शांत बैठ जाए, है ना, फिर तो आपको क्या होता है, वो आपने कारगिल की लड़ाई में भी आपने तो देखा ही, हमारे पड़ोसी ने भी देखा, और उसके बाद फिर भैया चुपचाप ही रहता है, ठीक है, प्रॉक्सी वार करता है, टेररिस्ट भेजता है, खुद की हिम्मत नहीं है, ठीक। इंटरमीडिएट रेंज, तीसरा क्या है? इंटरमीडिएट रेंज, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, IRBM, जो 3500 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है। और लास्ट आता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ट्रैवल कर सकता है। और आप समझ लो कि फिर किसके किसके जो है दिक्कत कर सकता है ये वाला मिसाइल, है ना, सभी के बिल्कुल हड़कंप मचा देने वाला मिसाइल है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। ICBM 5500 किलोमीटर प्लस और 5500 किलोमीटर में पता है आपको कहां तक पहुंच जाएंगे? कुछ अंदाजा है? नाम नहीं लूंगा। चलिए, इंडिया के कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स देखिए। सबसे पहला क्या दिख रहा है आपको? अगर आपको यूं करके देखना पड़ रहा हो तो मतलब आप बिल्कुल सही देख रहे हैं, क्योंकि मिसाइल जो होती है वो ऊंची उड़ान लेती है, तो मिसाइल को देखने के लिए थोड़ा सा तो सर घुमाना ही पड़ेगा बॉस, है ना। प्रहार मिसाइल जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है। किस प्रकार का बैलिस्टिक मिसाइल? 150 किलोमीटर तक पहुंच सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, जम्मू कश्मीर से निकालेंगे और बस काम हो जाएगा। कहां किसका काम हो जाएगा? नाम नहीं लूंगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे मैंने जो डायग्राम यूज किया है, इसमें पूरा रेडियस बना हुआ है कि कौन सा मिसाइल कहां तक पहुंच सकता है, तो बस समझदार को इशारा काफी है, देख लो। दूसरा है ब्रह्मोस, है ना, दूसरा है ब्रह्मोस। अच्छा, ये जो डाटा है ना, बहुत ऑथेंटिक डाटा है, मैंने अपने से नहीं बनाया कि ये मिसाइल कौन सा कहां तक पहुंच सकता है। देखो, ये डाटा किसका है? सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, ठीक है, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज। तो बस समझ लो आगे की बात, ब्रह्मोस मिसाइल कहां तक जा सकता है? 300 किलोमीटर तक जा सकता है, 300 किलोमीटर तक, ठीक है। फिर थर्ड पे कौन सा है? पृथ्वी 2। पृथ्वी के काफी सारे वर्जन है, पृथ्वी 1 से लेके काफी सारे वर्जन है, पृथ्वी के 1, 2, 3, ठीक।
पृथ्वी पृथ्वी मिसाइल और अग्नि वन का रेंज कितना है 700 किलोमीटर, ठीक है 700 किलोमीटर अग्नि वन का रेंज, ठीक। फिर निर्भय, निर्भय जो है वो एक प्रकार का क्रूज मिसाइल है वैसे तो, बट इसका रेंज जो है कितना है, मतलब मैं यहाँ पर एक ही जगह दिखाना चाहता था तो इसलिए यहाँ पर दिखा दिया 800 किलोमीटर, ठीक है। फिर अग्नि टू है ना, अग्नि टू का कितना है 2000 किलोमीटर तक जा सकता है। सिक्स, ये देखो ये है अग्नि टू का, यहां तक जा सकता है, तो आप समझ लो कौन कौन सी जगह आ सकती है, ठीक है। वेस्ट में भी देख लेना कौन कौन सी जगह आ सकती है और नॉर्थ में भी देख लेना कौन कौन सी जगह आ सकती है, बाकी तो समझदार को इशारा काफी है, ठीक है। आपके लिए नहीं कह रहा हूं समझदार को इशारा काफी है, पड़ोसियों के लिए कह रहा हूं समझदार को इशारा काफी है। सेवन, अग्नि कौन सा, अग्नि थ्री, ये रेंज है बॉस, ये ग्रीन वाली लाइन बस। और अग्नि फोर, ये रेंज है भैया, ये अग्नि फोर का रेंज और ये अग्नि नाइन का रेंज, ठीक है। इशारा किस तरफ कर रहा हूं समझ लो, और अग्नि नाइन का रेंज इधर ये है बस। क्रूज का मिसाइल अभी बताऊंगा नीलाक्षी, डू नॉट वरी, है ना, डू नॉट वरी। तो भैया देख लो, आप कहानी समझ लो कि हमारे पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, हमारी मिसाइल से कहां कहां क्या क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। इंडियाज मिसाइल फोर्स इज सर्व इन फर्स्ट इंस्टेंस टू डिटर पाकिस्तान एंड चाइना, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कौन कह रहा है, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज कह रहा है कि इंडिया का जो मिसाइल फोर्स है वो किसको डिटर करने के लिए बनाया गया है, किसको, किसके लिए बनाया गया है, चाइना और पाकिस्तान के लिए बनाया गया है। द थ्रेट फ्रॉम द लैटर मतलब चाइना से जो थ्रेट हैज प्रमोटेड इंडिया ओवर द इयर्स टू बिल्ड मिसाइल्स ऑफ इंक्रीजिंग रेंज, चाइना से जो थ्रेट है हमें उस थ्रेट के लिए, उसी थ्रेट का ये आउटकम है कि आप देखेंगे अग्नि में, अग्नि 1 2 3 4 5 6 अग्नि 6 तक बना डाला हमने, इंटरकॉन्टिनेंटल, बोले जितनी दूर तक बना सकते हो बना दो, कोई भी किसी देश का ऐसा हिस्सा नहीं होना चाहिए, किस देश का नाम नहीं लूं, वहां तक हम पहुंच ना पाए ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए, समझ गए, ठीक ठीक है, कंफर्टेबल। चलिए तो यहां तक की बात समझ गए, चलिए आओ अब बात करते हैं क्रूज मिसाइल क्या होगा। क्रूज मिसाइल देखो, अग्नि या जो हमारा बैलिस्टिक मिसाइल था, बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता था, प्रोजेक्टाइल मोशन, बिल्कुल यूं घूमता था, है ना, ऐसा, मतलब बिल्कुल इस टाइप का मोशन होता था, ऐसा उठा, इनिशियल फोर्स दिया, फिर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मोशन हुआ, तो ऐसा एक प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसे कर्व पाथ आपको दिखता था हमेशा, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसा कर्व ट्रैजेक्टरी, इसको क्या बोलते हैं फिजिक्स के टर्म्स में, 11th 12th में आपने पढ़ा होगा, ठीक, 11th 12th में आपने पढ़ा होगा क्रूज मिसाइल, ठीक है, ट्रैजेक्टरी बोलते हैं इसको, ऐसा ट्रैजेक्टरी है, ठीक। तो ट्रेजेक्ट्री, अब ट्रेजेक्ट्री जब आप देख लिया आपने, ट्रेजेक्ट्री आप जब समझ गए, तो आपको ये समझना चाहिए कि क्रूज मिसाइल की कैसी ट्रेजेक्ट्री है, क्रूज मिसाइल की कैसी ट्रेजेक्ट्री है, एनी आइडिया। क्रूज मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री ऐसी है भैया कि आप जिधर जिधर भागोगे, मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर बेलन आपकी तरफ आ रहा है, आप इधर भाग जाओ तो वो आपकी तरफ आ जाएगा, आप इधर चले जाओ तो वो आपकी तरफ आ जाएगा, मतलब शानदार गाइडेड टेक्नोलॉजी है क्रूज के पास, जिधर जाओगे उधर जाएगा, मतलब एक टारगेट है, अगर ये एक टारगेट है, यहां तक पहुंचना है तो ऐसे भी जा सकता है, 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 गाइडेड टेक्नोलॉजी जबरदस्त वाली, शानदार वाली, है ना, तो यूं घुमा घुमा के मारेगा भाई साहब। तो क्रूज मिसाइल है मतलब छोड़ने वाला नहीं है, है ना, अगर क्रूज मिसाइल किसी के ऊपर डाला तो बस समझ जाओ क्या होगा, है ना। तो क्रूज मिसाइल इज अ गाइडेड मिसाइल, गाइडेड मिसाइल है ये। तो क्रूज मिसाइल जो है वो मेरे स्टूडेंट्स जैसा है जो गाइडेंस में पढ़ रहे हैं, है ना, वैसा है, ये बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, यूपीएससी इधर भागेगा तो वो भी उधर भागेंगे, यूपीएससी नीचे आएगा वो नीचे जाएंगे, यूपीएससी ऊपर जाएगा नीचे ऊपर जाएंगे, गाइडेड मिसाइल है, क्यों, उनके साथ प्रोपल्शन लगा हुआ है, डीएल लाइव, है ना, प्रोपल्शन लगा हुआ है। तो यूज अगेंस्ट द टेरेस्ट्रियल टारगेट्स, ठीक है, टेरेस्ट्रियल टारगेट्स के अगेंस्ट यूज किए जाने वाले, इट रिमेन्स इन एटमोस्फेयर थ्रू आउट इट्स फ्लाइट, पूरे फ्लाइट में ये एटमोस्फेयर में ही रहता है, एटमोस्फेयर से बाहर नहीं जाता, बैलिस्टिक मिसाइल में मैंने आपको बताया ना बाहर जाता था, बैलिस्टिक मिसाइल में बाहर क्यों जाता था, दूर तक भेजना है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता था, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता था तो बाहर चला जाता था, इसमें वैसा सिस्टम नहीं है, ये तो पूरा गाइडेड है, आप चाहो तो बिल्कुल 5 मीटर ऊपर से उठा के ले जाना चाहो तो 5 मीटर ऊपर से भी चला जाएगा, 500 मीटर ऊपर से भी चला जाएगा, आप जहां चाहो वहां चला जाएगा, है ना। इट फ्लाइज द मेजर पोर्शन ऑफ इट्स फ्लाइट पाथ एट अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट स्पीड, बिल्कुल इसमें क्या होता था,
प्रोजेक्टाइल में जो हमारा बैलिस्टिक था, इनिशियली आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होती थी, फिर जाके स्पीड कम होती जाती थी और फिर वो गिरना शुरू कर देता था, है ना। बट क्रूज मिसाइल की जो है स्पीड लगभग लगभग कॉन्स्टेंट होती है, यूं उठा खट खट, है ना, तो बिल्कुल कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ चलता है, बिल्कुल कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ चलता है ये क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल आर डिजाइन टू डिलीवर अ लार्ज वॉरहेड, एक लार्ज वॉरहेड मतलब काफी सारा गोला बारूद जो है ये लेकर जा सकता है ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद हाई प्रिसीजन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाई प्रिसीजन, मतलब जो कहते हैं ना अभी यहाँ पे किसी ने लिखा, चंदन लिखा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, क्या है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो बिल्कुल यही है क्रूज मिसाइल का मंत्र जो है, क्रूज मिसाइल ने यही सीख रखा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक टारगेट को हिट नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, हाँ तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो बिल्कुल हिट करेगा ये, ठीक है। काफी सारे स्टेजेस होते हैं क्रूज मिसाइल के, आप देख सकते हैं, है ना, धीरे धीरे ये अपलिफ्ट करता है, रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड जैसे ही मिलता है इसको तो रॉकेट इंजन सेपरेट हो जाता है, मेन जो इंजन होता है उससे रॉकेट इंजन सेपरेट हो जाता है और जो इसका क्रूज फेज है वो यहाँ से ऑन हो जाता है, क्रूजिंग फेज जो है इसका यहाँ से ऑन होता है, ठीक है। स्टेज टू के बाद क्रूज फेज जो है वो यहाँ पर ऑन हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक, गॉट इट। तो क्रूज फेज ऑन हो जाता है सेकंड स्टेज के बाद और जबरदस्त जाता है। तो मॉडर्न क्रूज मिसाइल जो है दे आर एबल टू ट्रेवल एट सुपरसोनिक स्पीड। अब आप बोलोगे सर सुपरसोनिक क्या होता है बॉस, तो सुपरसोनिक ये होता है जो साउंड की स्पीड से ज्यादा फास्ट ट्रेवल करता हो। भाई साहब साउंड की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट, मतलब जब तक कोई सोचेगा कि क्या करना है तब तक तो दिवाली मन चुकी होगी भाई साहब, है ना। जब तक कोई सोच रहा होगा कि करना क्या है, रिप्लाई में हमें भी कुछ छोड़ना है क्या, प्लान कर रहा होगा, सोच रहा होगा, और जब तक सोचेगा तब तक शहर में दिवाली मन गई, ठीक है। ये कौन सा मिसाइल है, क्रूज मिसाइल। अब यार क्रूज मिसाइल जब डेवलप कर ले इंडिया, कर लिया है, तो लोगों की रात की नींद जो है ना वो गायब होनी जाहिर सी बात है, है ना। तो सबसोनिक स्पीड्स एंड सेल्फ नेविगेटिंग एंड आर एबल टू फ्लाई ऑन अ नॉन बैलिस्टिक एक्सट्रीमली लो एल्टीट्यूड ट्रैजेक्टरी। जहां से मैंने आपको बोला ना, आप यहां से ले जाना चाहो यहां से जाएगा, आप नीचे लोअर एल्टीट्यूड से ले जाना चाहो कि सीधा जाके खत्म कर दे, बिल्कुल हिट करे, वैसा चला जाएगा। तो भैया मतलब बस दिस इज द ब्लिस, मतलब आर्म फोर्सेस वाले जो DRDO वाले होते हैं ना, वो नाम सुन के ऐसे खुश हो जाते हैं, क्रूज मिसाइल, ओ माय गॉड, यस राइट, दिस इज इट, है ना, क्रूज मिसाइल, ठीक। ब्रह्मोस इज एन एग्जांपल ऑफ इट, आई विल कम टू इट, है ना। तो क्रूज मिसाइल, अच्छा आपको चाहिए क्या क्रूज मिसाइल, मतलब मिसाइल्स पे एक और सेशन लेगा, अगर आप बोलोगे तो एक और सेशन ले लेंगे और डिटेल में बताएंगे मिसाइल्स के बारे में, बड़ा मजा आएगा। अगर आपको चाहिए हो तो बता देना, एक और सेशन ले लेंगे मिसाइल के बारे में, तूफानी मजा ला देंगे बिल्कुल, ठीक है। तो क्रूज मिसाइल के टाइप्स क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रूज मिसाइल, जरा ये भी देख लो, ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रूज मिसाइल, इसको भी देखो जरा। तो क्रूज मिसाइल के टाइप्स क्या है जरा सा ये देखो, ठीक है, देखो जरा। तो क्रूज मिसाइल्स में एक होता है हाइपरसोनिक, क्या नाम है, हाइपरसोनिक। दीज मिसाइल्स वुड ट्रैवल एटलीस्ट 5 times द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, 5 Mach की स्पीड होती है, आप समझ सकते हो क्रूज मिसाइल में अगर इतनी ज्यादा स्पीड हो, 5 times द स्पीड ऑफ साउंड, भाई साहब मतलब सुन के रोंगटे कांप जाए दुश्मन के। ब्रह्मोस 2 जो है इसका एग्जाम्पल है, दूसरा कौन सा, सुपरसोनिक, ठीक है, जो कि साउंड से फास्टर, ब्रह्मोस इज द एग्जांपल। फिर आता है सबसोनिक, दीज मिसाइल्स ट्रैवल स्लोअर देन द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, साउंड के स्पीड से स्लोअर ट्रैवल करता है, एग्जांपल कौन सा, निर्भय इसका एग्जांपल है, ठीक है, निर्भय एग्जांपल है। जब हमने यहां तक की बात कर ली तो अब हमें बात करना पड़ेगा डॉक्टर कलाम, है ना, डॉक्टर कलाम के ड्रीम प्रोजेक्ट की, है ना। सर ये क्रूज मिसाइल किस किस के पास है, इंडिया के पास है, है ना, इंडिया ने रशियन टेक्नोलॉजी से लिया, रशिया के पास है। आओ IGMP के बारे में जानते हैं, इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, किसका ब्रेन चाइल्ड है, इट इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ डॉक्टर कलाम, है ना, मिसाइल मैन, द प्रेसिडेंट,
है ना, द साइंटिस्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर कलाम। तो डॉक्टर कलाम ने सोचा था इसके बारे में, IGMP के बारे में, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। तो बेसिकली इंडिया ने इस IGMDP के बारे में सोचा क्यों, वाई IGMDP, यानी आइडिया, मतलब इसका आइडिया क्यों आया। इसका आइडिया इसलिए आया क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन बनी ग्लोबल लेवल पे, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर, इटली विटली ब्रिटेन विटेन ने मिलकर खिचड़ी पकाई, और खिचड़ी पकाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, MTCR, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, जैसा नाम से पता चल रहा है, मिसाइल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने का, मतलब मिसाइल का प्रोलिफरेशन जो है वो रोकना है, मतलब ज्यादा देशों के पास ये टेक्नोलॉजी ना हो, ज्यादा देशों के पास जो है मिसाइल्स ना हो, ये इसका कोशिश है। किसका कोशिश? इस ऑर्गेनाइजेशन का, MTCR का। तब हमने बोला कि भैया अगर हमको टेक्नोलॉजी कहीं से मिलेगी नहीं तो हम करेंगे क्या। तो कलाम साहब ने बोला मैं यहाँ है ना स्वदेश, ये जो देश है मेरा स्वदेश है मेरा। तो कलाम साहब ने बोला मैं हूं, और पूरी की पूरी ये इसरो DRDO इतने सारे हमारे साइंटिस्ट हैं, कुछ इसरो के आएंगे कुछ DRDO के आएंगे, सबको मिलाएंगे और फिर DRDO में मैं बेहतरीन काम करूंगा, इसरो के साइंटिस्ट वगैरह से भी हेल्प लूंगा, DRDO में बैठकर बेहतरीन काम करूंगा। तो DRDO के अंदर इस प्रोजेक्ट को लिया गया, इस प्रोजेक्ट को ठाना गया, और बिल्कुल उसी तरीके से ठाना जिस तरीके से आप ठानते हैं कि इधर IAS और नथिंग एल्स है ना। और बिल्कुल कलाम साहब का प्रोजेक्ट आप समझ लीजिए, इस आदमी को, इस व्यक्ति को आप सभी जानते हैं, तो इस प्रोजेक्ट का क्या होना था ये तो आप वैसे ही समझ जाएंगे। MTCR को काउंटर करने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। DRDO की लेबोरेटरीज का एक कंसोर्टियम बनाया, ग्रुप बनाया, जो इंडस्ट्रीज के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे, बार्क वर्क, सबको मिलाया, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो थे उनको मिलाया, और जबरदस्त एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करके फिर एक मिसाइल प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत की गई 1983 में, राइट 1983, जब आप में से ज्यादातर बच्चे जो हैं वो इस दुनिया में नहीं थे, और इसको फिनिश किया गया मार्च 2012 में, है ना। और मतलब चूंकि इंडिया के जो एनिमीज हैं, जैसे पाकिस्तान है पास में पड़ोसी, कम रेंज, चाइना है इतना बड़ा कंट्री है दूर तक है, तो दुश्मनों को देखते हुए जो थ्रेट है, थ्रेट जो है वही तो मिसाइल की जरूरत है, तो थ्रेट को देखते हुए, जरूरतों को देखते हुए यहाँ पर अलग अलग लेवल्स के, अलग अलग रेंजेस के मिसाइल डेवलप किए गए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर, है ना। अलग अलग लेवल पर मिसाइल डेवलप किए गए, अलग अलग टारगेट्स के लिए डेडिकेटेड मिसाइल डेवलप किए गए। तो इस प्रोग्राम के अंदर कौन से मिसाइल डेवलप किए गए, इस प्रोग्राम के अंदर 5 मिसाइल डेवलप किए गए, और सब बेहतरीन, एक से बढ़कर एक, मतलब एक आता तो उसके बाद जो उसका नेक्स्ट वर्जन आता तो वो उससे भी बेहतर, और क्या शानदार टेक्नोलॉजी डेवलप की गई इस प्रोग्राम के अंदर। भारत जो हम कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, तो इकोनॉमी में आत्मनिर्भर भारत हम कब तक बनाएंगे ये तो पता नहीं, पर मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर भारत जो है वो कलाम साहब हमें बना कर गए, जाने से पहले बना कर गए। 2012 में इस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीशन हुआ। पृथ्वी मिसाइल, पृथ्वी शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस, देखो नाम क्या है, पृथ्वी, नाम से याद रखना है आपको, सभी को आपको नाम से याद रखना है। शॉर्ट पृथ्वी नाम है, मतलब जमीन, धरती, तो सरफेस टू सरफेस है, जब नाम ही पृथ्वी है मतलब सरफेस टू सरफेस, पृथ्वी मींस अर्थ सरफेस टू सरफेस, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक। बैलिस्टिक मिसाइल है, किस प्रकार का मिसाइल है, दो बातें ध्यान रखनी है, पृथ्वी नाम से पता चल गया आपको कि सरफेस टू सरफेस है, और दूसरी बात ये जान लेना कि किस प्रकार का मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। वैसे भी पृथ्वी वॉज वन ऑफ द अर्लिएस्ट मिसाइल डेवलप, तो उस समय क्रूज टेक्नोलॉजी आई नहीं थी इंडिया में, है ना, तो बैलिस्टिक ही होना है, प्रोजेक्टाइल मोशन से ही होगा। फिर आता है अग्नि, अग्नि जो है वो इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। अगेन फिर इसके काफी सारे वर्जन है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा रेंज जो है काफी वेरी करता था, ठीक है। जो इस प्रोग्राम के अंदर अग्नि था, एक्चुअली बाद में क्या हुआ ना, जब ये प्रोग्राम पूरा हो गया तो बाद में अग्नि मिसाइल को देखा गया कि यार अग्नि मिसाइल की इंपॉर्टेंस जो है वो बड़ी ज्यादा है, तो अग्नि मिसाइल को इस कैटेगरी से अलग कर दिया गया। तो आप देखेंगे अग्नि 1, 2, 3 जो है दैट इज पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, है ना, जो
IGMDP है, अग्नि 1, 2, 3 उसका पार्ट है, बट जो अग्नि 4 और 5 है वो उसका पार्ट नहीं है, राइट। चलिए फिर दूसरा मिसाइल है त्रिशूल, त्रिशूल, ठीक, त्रिशूल। अब आप नाम से ही देख लो आपको समझ में आ जाएगा, त्रिशूल ऐसे शिवजी ने यूं त्रिशूल उठाया और यूं फेंका खटाक, ठीक है। तो सरफेस से लेके कहां, एयर, मतलब अच्छा त्रिशूल जो है सरफेस से लेके एयर कैसा, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए देखा राक्षस को और यूं मारा खटाक, ठीक है। मतलब सरफेस टू एयर है, वैसे भी समझना आप सरफेस टू एयर है तो एयर में कुछ आ रहा होगा, दुश्मन का कोई जहाज वहाज आ रहा होगा, उसको निश्चय नाबूद करना है, उसको नष्ट करना है ना। तो शॉर्ट रेंज लो लेवल, शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल बनाया त्रिशूल को, ठीक है। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल दूसरा बना है ना, शॉर्ट रेंज के लिए कौन सा बना त्रिशूल, और मीडियम रेंज के लिए दूसरा बनाया गया आकाश, है ना। आकाश का मतलब क्या, आकाश का मतलब स्काई सरफेस टू एयर, है ना, आकाश का मतलब स्काई, और कहां से जा रहा है सरफेस टू स्काई, सरफेस टू एयर, राइट। आकाश त्रिशूल हो गया, आकाश हो गया, त्रिशूल हो गया, आकाश हो गया। और फिर जो मिसाइल आया पांचवा वो था नाग, थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। टैंक को तबाह करना हो, टैंक को निस्ते नाबूद करना हो, टैंक की धज्जियां उड़ाना हो तो नाग मिसाइल लॉन्च करते हैं, स्नेक, है ना, स्नेक नाग, ठीक है। सिथर्स लाइक अ स्नेक टू हिट अ टैंक, है ना, स्नेक की तरह जाता है और एक टैंक को हिट कर जाता है। तो इस प्रोग्राम के सक्सेस के बाद मैंने आपको बताया कि अग्नि मिसाइल जो है वो सेपरेट कर दिया गया था इस प्रोग्राम से, इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए। अग्नि मिसाइल जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग मिसाइल है, अग्नि जो है वो है वो भारत की शान है, भारत की आन है, अग्नि, अग्नि जो है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल है और अग्नि जो है वो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने के लिए कैपेबल है, न्यूक्लियर वॉरहेड, और इसीलिए अग्नि की जो है मैंने आपसे कहा कि भारत की आन है और शान है। अग्नि मिसाइल को 3 रेंज में हम मतलब रेंज के बेसिस पर 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरा है इंटरमीडिएट रेंज, और तीसरा है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, मतलब जैसी रिक्वायरमेंट वैसा अग्नि, है ना। हर तरह के अग्नि मिसाइल का डेवलपमेंट किया गया, जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट होगी उस प्रकार का अग्नि मिसाइल मिलेगा, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है बॉस, इससे बेहतर और क्या हो सकता है, है ना। जैसी रिक्वायरमेंट उस प्रकार का अग्नि मिसाइल मिलेगा, तो अग्नि मिसाइल में आप देखोगे कि 6 वर्जन है, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, 6 वर्जन है यहाँ पर 6। तो जो हमारे टाइप्स हैं अग्नि 1 का मीडियम रेंज, ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज, 2, 3 इंटरमीडिएट रेंज, ठीक है, 4 इंटरमीडिएट रेंज, 5 और 6 जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज है, है ना। तो ये सारे इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज, और अग्नि जो है वो कैसा है, सारे अग्नि सरफेस टू सरफेस, ठीक है, रेंज जैसा इसका टाइप वैसा रेंज, टाइप बेसिकली रेंज के बेसिस पर ही तो है। तो अग्नि मिसाइल, अग्नि के बाद जो एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मिसाइल है वो है पृथ्वी, जान है, जान है ना, बिल्कुल बिल्कुल कोमल, 5 वर्जन आए, 6ठा आने वाला है। तो पृथ्वी, पृथ्वी जो है वो कैसा मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस, शॉर्ट रेंज, कम दूरी तक ट्रैवल करने वाला, शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, दुश्मन के नाक में दम करने देने वाला। और इसके सक्सेस को देखते हुए हमारी जो सेना है, हमारे जो डिफेंस सेगमेंट है, उसको एहसास हुआ कि इस पृथ्वी मिसाइल का एक नेवल वेरिएंट भी बनना चाहिए, मतलब जहाज वगैरह से भी छोड़ा जा सके, ठीक है, ऐसा वेरिएंट भी बनना चाहिए। तो इसका नेवल वेरिएंट भी है, जिसको समंदर से मतलब किसी जहाज वगैरह के ऊपर से किसी सरफेस पर छोड़ा जा सकता है, मतलब अरेबियन सी जो है वहां पर हमारे लड़ाकू जहाज जो है वहां पर ट्रेवल कर रहे होंगे, वहां पर गश्ती कर रहे होंगे, और वो चाहें तो वहीं से कराची को खल्लास कर देंगे, ठीक है, धनुष मिसाइल की मदद से। पृथ्वी 2 जो है, इसके बारे में समझना कि ये पृथ्वी 2 जो है ये पहला मिसाइल था DRDO के IGMDP के अंदर, जो हमारा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उसके अंदर फर्स्ट मिसाइल है पृथ्वी 2, राइट, पृथ्वी 2 इज द फर्स्ट मिसाइल अंडर द IGMDP प्रोग्राम, राइट। चलिए पृथ्वी की जब हमने बात की तो मैंने धनुष की बात की, तो धनुष की जब बात की तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि सी बेस्ड न्यूक्लियर आर्म्ड बैलिस्टिक मिसाइल कौन कौन से हैं, ठीक है, सी बेस्ड न्यूक्लियर आर्म्ड बैलिस्टिक मिसाइल कौन कौन से हैं ये भी जानो फटाफट से, है ना, फटाफट से देखो, धनुष, है ना, वन इज धनुष, धनुष
जो अभी बात कर रहे थे जिसके बारे में 350 किलोमीटर, मतलब आराम से अरेबियन सी से आप कराची को खलास कर सकते हो। देन यू हैव K15 और सागरिका 700 किलोमीटर का मतलब समझते हैं आप, बस बॉम्बे से निकलो और काम हो जाएगा आपका। K4 3500 किलोमीटर, मतलब अगर कहां पे है, अगर कोची के पास भी लगा हुआ है तो काम हो सकता है। K5 6000 किलोमीटर, तो इतनी कैपेबिलिटी हमने डेवलप कर ली है, इतनी कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है, तो इसको तो हम बे ऑफ बंगाल में भी लगा सकते हैं। और बे ऑफ बंगाल में लगाकर क्या कर सकते हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंट मिसाइल है, दैट इज आकाश। आकाश में गर्जन कर दे जो मिसाइल, मीडियम रेंज, सरफेस से लेकर हवा में मार करने वाला, सतह से हवा में मार करने वाला, सरफेस टू एयर मिसाइल। ये आकाश जो है ना बॉस, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल है, सरफेस टू एयर। हमारे दुश्मनों के कुछ भी जहाज हमारे टेरिटरी में आ जाएं, उनको अगर निश्ते नाबूद करना हो, उनको अगर तबाह करना हो, उनको अगर राख करना हो, तो आकाश काम आएगा। आकाश बहुत इंपॉर्टेंट है, हर मिसाइल की अपनी इंपॉर्टेंस। अच्छा, आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, आप लोगों को मिसाइल देखना हो ना, मतलब इसकी फील लेनी हो, तो आप सबको एक बार 26 जनवरी का जो परेड होता है ना राजपथ पे, उस परेड पे जरूर जाना चाहिए, है ना, उस परेड पे जरूर जाना चाहिए। यू शुड गो, एवरीवन शुड गो, प्लीज डू ट्राई टू अटेंड दैट परेड 26 जनवरी वाला, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक, और कैन एम्प्लॉय मल्टीपल एयर टारगेट्स व्हाइल ऑपरेटिंग इन फुल्ली ऑटोनॉमस मोड। समझ रहे हैं इसका मतलब एक से ज्यादा जो टारगेट्स हैं उनको एक बार में खात्मा कर सकता है, एक से ज्यादा टारगेट का एक बार में खात्मा कर सकता है ऑटोनॉमस मोड में जाकर। ठीक है, इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम अ स्टैटिक और मोबाइल सोर्स, स्टैटिक सोर्स से भी लॉन्च किया जा सकता है, और मोबाइल प्लेटफॉर्म से, मतलब कुछ मूविंग चीज है तो वहां से भी लॉन्च किया जा सकता है आकाश को। ठीक है, कैन कैरी कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वॉरहेड्स। ठीक है, जो गोला बारूद जो पुराने होते थे, कन्वेंशनल होते थे, उनको तो कैरी कर ही सकता है, न्यूक्लियर वॉरहेड को भी कैरी कर सकता है, राइट। कैन ऑपरेट इन ऑल वेदर कंडीशंस, ठीक है, धूप हो बारिश हो कोई मतलब नहीं है, हर कंडीशन में ट्रैवल कर सकता है, फॉग हो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, जैसा भी वेदर कंडीशन हो ये ट्रैवल कर सकता है। डेवलप्ड अंडर इसरो का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, उसी प्रोग्राम के अंदर आकाश को भी डेवलप किया गया है। ठीक है, तो आज हमने देखा कुछ बेहतरीन मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल पर मैं चाहता हूं कि आपका एक कंप्लीट सेशन लूं मैं आधे घंटे का, कंप्लीटली ब्रह्मोस मिसाइल पर, क्योंकि ब्रह्मोस इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ब्रह्मोस जो है उसके बारे में, ब्रह्मोस जो है उसके बारे में मैं आपको एक अलग से सेशन लेना चाहता हूँ, हाफ एन आवर का। तो मैं कोशिश करूंगा, अगर आज हो पाए तो आज ले लूंगा, नहीं तो कल लूंगा, और ब्रह्मोस का एक सेपरेट सेशन लूंगा, बड़ा मजा आएगा। विल नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ब्रह्मोस मिसाइल, है ना, तो विल कवर ब्रह्मोस सेपरेटली, राइट। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइज, ओके। सो यू कैन ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी प्लस एज वेल इफ यू वांट। अनअकैडमी प्लस पर GS1 का मेरा कोर्स चल रहा है, ठीक है, 2020 और 2021 और 2022 तीनों सालों के लिए हम यहाँ पर प्रोग्राम चला रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने उनके लिए अलग अलग मेंटरशिप प्रोग्राम भी शुरू कर रखे हैं, ठीक है, 21, 22 और 20 वालों के लिए। तो आप चाहें तो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर बिल्कुल आपको मजे आने वाला, फील आने वाला प्लेटफॉर्म है, क्विजेज हैं। अच्छा, एक और बात, कुछ स्पेशल क्लासेस मैं प्लान कर रहा था, आपको बता देता हूँ, आज 8 AM की क्लास नहीं हुई थी, कल 8 AM की क्लास होगी। इस पूरे वीक 8 AM पे हम हिस्ट्री के क्विजेज करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री आपको मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है, तो जो पढ़ाया है उसके क्विजेस करवा देते हैं, तो आप लोग बम बम करोगे, बम बम, ठीक है। इस पूरे वीक ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक हम 4 दिन क्विज करेंगे 8 AM पे हिस्ट्री का, और 12 PM पे 12 बजे हम क्या करेंगे, 12 बजे हम कर रहे होंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ, ठीक है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, ऐसे टॉपिक्स करेंगे जो इस बार के प्रीलिम्स के लिए और अगली बार के प्रीलिम्स के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। ये दोनों चीज कहाँ करेंगे, स्पेशल क्लासेस पे, अनअकैडमी के ऐप पे करेंगे, ठीक है, ये दोनों चीजें अनअकैडमी के ऐप पे करेंगे 8 बजे और 12 बजे, कल और हर दिन इस वीक में, हर दिन 8 बजे और 12 बजे डेली, ठीक। तो अनअकैडमी के ऐप पे आप सब्सक्रिप्शन मोड में भी मेरे साथ आ सकते हैं, डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती है वहां पे, सेशन होते हैं, बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आप स्पेशल क्लासेस अटेंड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। क्विजेस वगैरह करने में बहुत मजा आता है, इसलिए हिस्ट्री के क्विज वहीं पे करेंगे हम, है ना। चलिए, तो कोई भी डाउट हो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, आप जो नंबर है उस पर कॉल कर लीजिएगा, और सब्सक्रिप्शन लेते समय ये ध्यान रखें कि आप कोड जो यूज करना है वो DN Live,
डी एन लाइव, दुर्गेश नंदन लाइव के लिए डी एन लाइव। क्यों? क्योंकि डी एन लाइव से आप कंप्लीट मेरे गाइडेंस में रहेंगे, ठीक है। वीकली टारगेट्स आपको मिलते रहेंगे, उन वीकली टारगेट्स के हिसाब से तैयारी करेंगे आप, आंसर राइटिंग करवाऊंगा मैं यहाँ पे, आपके आंसर राइटिंग पे फीडबैक मिलेगा, कंप्लीट पैकेज जो है वो आपको डीएन लाइव के साथ मिलेगा। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लस डीएन लाइव, डीएन लाइव मतलब एक एक्सपर्ट गाइडेंस, और फिर आपकी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीटली इफेक्टिव प्रिपरेशन हो पाएगी, ठीक है। चलिए, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइज, विद दिस आई लीव यू, डन, बाय बाय, टेक केयर। This is the fee structure. This is 1 year. This is 2 year. है ना? This is the contact number. जो भी doubt हो आप इस number पे contact कर लीजिएगा। DN Live use करने से आपको 10% का discount मिलता है, ये तो आपको पता ही है। Done? चलो bye bye. अच्छा, everyone should share this session. इस session को share जरूर कर देना, ठीक है। Everyone noted. Do share this. Share कर दोगे सभी लोग? Share कर देंगे सभी लोग? Done? ठीक है। Do share this session, everyone. ठीक है, मेक श्योर दैट यू शेयर इट।